ऋचा, आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको बहुत सारे बधाइयां, लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। आप 2019 से एग्जामिनेशन की हिंदी मीडियम से आईएएस टॉपर हैं। आपको टॉप रैंक मिला है, आपसे ऊपर और किसी को रैंक नहीं है, जो नेचुरली ये बहुत बड़ी जिज्ञासा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को होगी कि आपने ऑल इंडिया लेवल पे टॉप रैंक प्राप्त किया है। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने ये जर्नी प्राप्त किया। आपको कभी सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम देखने का मौका पहले मिला आपको? जी सर, पहले मैंने देखा इस प्रोग्राम में, अपनी तैयारी के दौरान में आप देख रहे हो, और मैंने काफी इनपुट्स भी लिए इस प्रोग्राम में। राइट रिचा, आप सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से रहने वाली हैं, फैमिली में कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताइए अपनी। सर, मैं मूलतः सिवान बिहार से हूँ। राइट। और मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा सिवान से ही प्राप्त की, सिवान में महावीर सरस्वती विद्या मंदिर। और उसके बाद मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से। राइट। उसके बाद से मैंने एक मीडिया वेंचर में कुछ समय के लिए काम किया एंड फिर मैंने सिविल सेवा की तैयारी करने को शुरू किया। अच्छा, तो मतलब शुरुआत जो है सिवान से हुई और इस तरह से आपने थोड़ा समय तक काम भी किया आपने और फिर आपने तैयारी शुरू की। फैमिली में कौन कौन है, पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, मेरे पिता रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में, और मम्मी मेरी होममेकर। पिताजी का शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, तो वहाँ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करा रहे थे? हिस्ट्री के थे। अच्छा, तो आपने हिस्ट्री ऑप्शनल के पीछे क्या ही रहा कारण, क्या जो आपने लिया है? ये एक कारण था सर, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं नेचुरल इंक्लाइनेशन था, क्योंकि घर में हिस्ट्री की किताबें होती थी और मैं पढ़ा करती थी, एक नेचुरल इंक्लाइनेशन हिस्ट्री की तरफ था। इधर चर्चा हम आपसे करेंगे, फिलहाल ये जानना चाहते हैं क्या घर में और जैसे दो भाई हैं आपके और वो भी किस किसी सर्विस में हैं, क्या कर रहे हो? वो दोनों जॉब करते हैं, बड़े भाई मेरे डिजिटल मीडिया में काम करते हैं और छोटे भाई जो है मेरे वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट। ऋचा, बिहार, यूपी, राजस्थान कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ सिविल सर्विसेज की चर्चा बड़ी अर्ली टाइम से शुरू हो जाती है, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके साथ भी इस तरह की बातें स्कूल टाइम या कॉलेज के टाइम से शुरू हो गई थी या आपने बाद में सोचा कि आईएएस बनना है? सर, मुझे सिविल सेवा में जाना है, ये जो मेरा सपना था ये बचपन से ही था। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड है वो इस तरह का है कि हम प्रशासन को बहुत करीब से देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसके काम से लोगों की जो जीवन है में उसको इम्पैक्ट करता है। तो उन चीज़ों का जो एहसास था मुझे, वो काफ़ी छोटे समय से था, काफ़ी छोटी उम्र से था, और यही रीज़न है कि मैं सिविल सेवा में जाना चाहती थी। ये मैंने बचपन में ही तय कर लिया था। ये स्कूल के दिनों में ये जानकारी आपको हो गई थी और आप मन बना चुके थे, राइट? अच्छा, आपने अभी चर्चा की कि जिस तरह के बैकग्राउंड से हैं जो सिविल सेवा के लिए, खासकर के आईएएस आईपीएस का जो माहौल होता है, तो नेचुरली आपने गांव और टीयर टू टीयर थ्री सिटीज का माहौल भी देखा है, तो एक आकर्षण का कारण कि आप उसमें जब जब जाएंगे आईएएस बनेंगे तो आप भी ऐसी कुछ भूमिका निभाएंगी, ये कुछ मन में कुछ नाम शोहरत या कुछ काम ये सब क्या आकर्षित कर रहा था आपको? सर, मुझे बेसिकली मुझे नाम और शोहरत कभी अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे ये है कि जो काम वो करते हैं और जिस तरीके से जब आप अपने सामने देखते हैं कि कोई सरकारी योजना है और उसका लाभ गांव में लोगों को नहीं मिल रहा, और एक अच्छा जब प्रशासनिक अधिकारी जब आते हैं और किस तरीके से वो चीज़ों को दुरुस्त करते हैं और उन योजनाओं का लाभ जो है जो ज़रूरतमंद है उनको मिलने लगता है, तो वो सब चीज़ें ऐसी होती कि आप बहुत प्रभावित होते हैं। और छोटी उम्र में इन सब चीजों का प्रभाव मेरे ऊपर काफी पड़ा था। रिचा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपके साथ जो डिस्कशन का कि अभी कुछ सालों से ये बहुत बड़ी चर्चा रहती कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एक बहुत परेशानियां बनी हुई हैं कि हम टॉप रैंक ले नहीं पा रहे हैं या अच्छे सिलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। आपको भी ऑल इंडिया में टॉप रैंक मिला है हिंदी मीडियम से, लेकिन 274 रैंक लेकर के, तो थोड़ी हम बहुत ही आपसे कुछ ऐसी चीजें जानना चाहते हैं जो से स्टूडेंट हिंदी मीडियम के खास करके उनको सहायता मिले कि क्या कोई ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखता है आपको जो कि इस हिंदी मीडियम के
लोगों को पीछे दिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं होना चाहिए। सर मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी भाषा के आधार पे किसी भी कैंडिडेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। द पॉइंट इज कि यूपीएससी ने बल्कि जितने भी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं 8 शेड्यूल में सब में एग्जामिनेशन देना अलाउ किया, और भाषा ये इंपॉर्टेंट से नहीं, उससे ज्यादा अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। जी सर तो फिर ये समस्या क्यों आ रही है आपके हिसाब से? सर मुझे लगता है कि एक तो सीसैट का जो पेपर है उसको लेके कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं एक थोड़ा सा कहीं मैं मुझे लगता है कि डर का एक माहौल रहता है। और दूसरी चीज मुझे लगती है कि जो सर क्वालिटी कंटेंट है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द हिंदू जैसा जो न्यूज पेपर है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, उस टक्कर का न्यूज पेपर हमें हिंदी में नहीं मिलता। वो हाल के दिनों में उसके बहुत सारे ऐसे हिंदी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स का अनुवाद करते हैं हिंदी में, लेकिन अभी मुझे लगता है और काफी करने की आवश्यकता है, तो ये कमी मुझे दिखती है। पर रिचा आपको मैं एक बात ध्यान देना चाहता हूँ, जहाँ तक के करेंट अफेयर्स की बात है, चलिए एक सेगमेंट है कि कोई स्टूडेंट हिंदू नहीं पढ़कर करके दैनिक भास्कर पढ़ रहा है या दैनिक जागरण पढ़ रहा है, लेकिन अखबार कोई सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी के लिए अखबार तो बने नहीं, वो एक न्यूज के लिए अपडेट के लिए आपके साथ में, और जो करेंट अफेयर्स की जो जरूरत है वो आप न्यूज़पेपर से भी कर लेते हैं, आप टेलीविजन से भी देख लेते हैं, राज्यसभा चैनल भी है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो आपने दो बात आपसे स्पष्ट करवाना चाहूंगा मैं लोगों के लिए। सबसे पहले आपने कहा सी सेट, अब देखिये सी सेट जो है आप क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स उसमें लाना है, राइट? तो वो तो अब एक टेंशन ना ही रहा, जबकि आप प्री यदि क्वालिफाई कर गए कैंडिडेट उस क्वालिफाइंग नेचर का है तो वो तो समस्या नहीं होनी चाहिए ना सी सेट को लेकर, क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है समस्या होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देखिए तो जितने मैं एनालिसिस जैसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे लगता है कि सीसा के पेपर सर जैसे पिछले 2 सालों में थोड़ा टफ हुआ है, थोड़ा उसका लेवल जो है थोड़ा और टफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक दिमाग में सर उसका हुआ है कि सीसैट का पेपर टफ है तो शायद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उस डर में जो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ कि हम तैयारी करें उस पेपर के लिए कहीं ना कहीं हम उस डर में ज्यादा टाइम अपना दे देते हैं। आपने बहुत सही बात पकड़ी है और बहुत वही मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, लोगों को समझाना भी चाहता हूँ कि देखिए एक साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है एक माहौल बन गया, ठीक है? कभी जब 93 में मैंने चाणक्य अकेडमी को स्टार्ट किया था उसमें भी हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता था, लोग मोस्टली इंग्लिश में थे, मैंने इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी एक मिशन के तौर पे स्टार्ट किया, और एक समय आया कि सिविल सर्विस में 27% तक स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के सिलेक्शन होने लग गए थे। जैसे ही ये सी सेट आया तो मुझे लगता है बहुत सारी मिथ जो है वो फियर में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स को, और साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम से ज्यादा फियर का फैक्टर बना हुआ है। जैसे आपने अभी तुरंत आपने कहा कि सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक एप्टीट्यूड है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 4-5 साल का पेपर भी कैंडिडेट अच्छे से कर लें तो भी सी सेट में 33% नंबर लाना मुश्किल नहीं है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल यस सर, तैयारी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है सी सेट की, बहुत बेसिक बेसिक 9th-10th लेवल का ही वो पूछते हैं, बहुत बेसिक पूछते हैं, लेकिन वही सर जो आपने कहा कि जो साइकोलॉजिकल जो फियर जो एक कैंडिडेट्स के बीच में है वो बहुत बड़ा हो गया और उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो खास करके हिंदी मीडियम में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं या कोचिंग है, इसको एक तरह लगता है जैसे हवा बना दिया लोगों ने बहुत, जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है। और अब देखिये जनरल स्टडीज की जो आपने बात करी, करंट अफेयर्स आपने हिंदू की बात करी, ये भी एक मिथ है कि अखबारों में वैसे बहुत सारी चीजें आजकल मटेरियल ट्रांसलेटेड भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, पर सवाल ये उठता है कि आपको अखबार नहीं खाली पढ़ रहे हो, अखबार के साथ भक्ति नहीं कर रहे हो, बल्कि अखबार में जो रेलेवेंट चीज है आपके लिए सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। तो हम अपनी चर्चा पहले यहीं से शुरू करते हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। आप कौन सा अखबार पढ़ती थी रिचा? सर मैं द हिंदू पढ़ती थी और इसके अलावा मुझे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड का सेक्शन आता है वो मुझे काफी यूजफुल लगता था तो मैं उसको भी पढ़ा करती थी सिलेक्टिवली एक्सप्लेन्ड पे। आप इंग्लिश मीडियम के, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रही हैं, फिर भी आपने इंग्लिश के अखबार भी पढ़े रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है, तो इतनी इंग्लिश तो स्टूडेंट को आती भी यदि पढ़ना है तो, राइट? लेकिन आप ये बताइए कि अखबार में हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, हो जाती है, क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, तो आपके हिसाब से न्यूज़पेपर में स्टूडेंट को कैसे पता चले कि क्या रेलेवेंट है
और क्या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे याद है कि मैं 6 या 7 7 या 8 साल की उम्र से सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मेरे घर में बिहार में उन दिनों भी 4-5 न्यूज़पेपर आया करते थे। द हिंदू एक दिन लेट आता था लेकिन हमारे घर में वो भी आया करता। तो बहुत छोटी उम्र से न्यूज़पेपर पढ़ने का जो मेरा रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े मेरा काम नहीं चलता, तो हम मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे कि आप स्पोर्ट्स का सेक्शन, बहुत लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स का सेक्शन छोड़ दीजिए या फिर कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड आजकल नए पेजेस जो ऐड हुए हैं आप उन्हें छोड़ दीजिए। इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अगेन जो कोर पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं आप चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं है आप उसे छोड़ सकते हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड जो पेजेस हैं आप चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़िए तो आप अपना सिलेबस जो है उसको ध्यान रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, फॉर एग्जांपल जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा था और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है, तो उससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो आप उसको उस अपने जो स्टैटिक जो प्रेसिडेंट रूल है उसके साथ आप उसको अटैच करिए, जोड़िए और लिख समझिए। तो मुझे लगता है उन चीज़ों को जोड़ना आपको आना चाहिए और वो समझना बहुत जरूरी है। ऋचा आपने अभी जो बात कही ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट है कि एक तो पहले अखबार को पढ़ना, सबसे पहले तो लोग बोझ ना समझे, अरे अखबार भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको रोज के दिन में अपने आप को हेल्दी रहने के लिए खाना पीना नहाना जरूरी है, उसकी तरह से आपको जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप एक सोशल जागरूक प्राणी के रूप में रहें कि सामाजिक ढंग से, और को आईएएस बनना है ये जागरूक होने के हिसाब से, आपके वातावरण में क्या चल रहा है, आपके पड़ोस में, आपके विदेश में, आपके विदेश में अलग अलग फील्ड में, तो जानकारी नेचुरल होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए, उसको बोझ ना समझे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कहा सिलेबस, सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि सिलेबस को कैंडिडेट ध्यान से समझ लें तो सिविल जो अखबार है उसके अंदर जो न्यूज है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन पे वो भी सिलेबस का आपका पार्ट है, इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस वो भी सिलेबस का पार्ट है, ज्योग्राफी कोई भी न्यूज आ जाए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर आ जाए, इंटरनल सिक्योरिटी पे आ जाए, तो सारे आइटम है जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस में ऑलरेडी है। अब उन्हीं से रिलेटेड जो न्यूज है वो आपका अखबार भी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप अपने सिलेबस के प्रति क्लियर हैं और पिछले साल के थोड़े से क्वेश्चन आप देखने की आदत डाले हुए हैं तो आपको अखबार में क्या पढ़ना है थोड़े दिन के बाद बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब है कि अखबार कैसे पढ़े, अभी आपने कहा कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा और हिंदू भी पढ़ा, क्या कुछ हिंदी अखबार भी पढ़ती थी कोई आप? सर हिंदी अखबार मैं ऐसे कभी कभार देख लेती हूँ, दैनिक जागरण, नेशनल एडिशन आता है, बट मैं मोस्टली तैयारी के लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे ही रहती हूँ। तो आपको इंग्लिश में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई है ना? नहीं सर। हाँ तो ठीक है, तो इतना ही तो हिंदी मेरे ख्याल से लोग जरी जरूरत है। एक बात अखबार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें कंटेंट क्या देख रहे हैं, और वो सारे मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स ये सच इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना लोगों ने एक फियर क्रिएट किया हुआ है। यदि आपका विषय वस्तु क्लियर है तो आपने एक चर्चा ये भी करी कि इंग्लिश में सामग्री ज्यादा और हिंदी में कम है, आपने ऐसी बात करी, लेकिन ऋचा ऐसा नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट में, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आज नहीं है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक ना हो, हिंदी भी अवेलेबल सारी किताबें। मुझे ऐसा लगता है ऋचा की जोरस से ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है हिंदी में, इसलिए लोग परेशान ज्यादा फंसे हुए, मोटे मोटे नोट्स मटेरियल आपको लगता है उससे ज्यादा है उलझे, ज्यादा पढ़ने की समस्या ज्यादा, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि सर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो है जो हिंदी में अवेलेबल है उसको तो जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गए या फिर पलासी से विभाजन तक हो गया, शेखर बंदोपाध्याय की किताब, ये सब किताबें जरूरी है पढ़ना जैसे हाल के दिनों में जैसे प्रश्न आते हैं। और जो मार्केट में नोट्स की बात है सर, तो वो सर बहुत ज्यादा है अवेलेबल मुझे लगता है, और मैंने बहुत कम ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। यस सर, ओवरलोड। ऋचा आपको भी शायद ये समस्या झेलना पड़ा होगा, मुझे लगता है कि जो आउट ऑफ फियर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं इतना ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करने में लग जाते हैं और इतनी ज्यादा अपनी बोझिल कर लेते हैं कि देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्योंकि एग्जामिनेशन का नेचर जो है बड़ा कंसाइज है, टू द पॉइंट है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली एक एबनॉर्मल ढंग से बहुत ज्यादा इकट्ठा करना है आपको, यदि 200 वर्ड में लिखना है तो कंसाइज इंफॉर्मेशन दिमाग में होगा तभी आप लिखेंगे, अदरवाइज एलोबरेट थिंकिंग करते रहेंगे, बहुत बिखरा हुआ थिंकिंग रहेगा। मेरा कहना है कि एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर, ये तीन वर्ड जो है
सिविल सर्विस के लिए बहुत मैटर करता है, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी इन थिंकिंग, इन लिसनिंग, इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप क्या बिल्कुल कहना चाहेंगे इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे भी यही लगता है कि जैसे कोई भी टॉपिक है तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को, एक दो को जानती भी हूँ जो जैसे कि PhD आपको नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा लिमिटेड करिए, जो हम जहाँ अनलिमिटेड पढ़ने की ओर चले जाते हैं किसी टॉपिक पे और उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू कर देते हैं, तो शायद मुझे लगता है वो टाइम वहाँ पे थोड़ा वेस्ट होने लगता है। तो जो पेपर है, जो पिछले साल के जो पेपर्स आए हैं, अगर उनको अगर आप लगातार देखिए और सिलेबस को और करंट अफेयर्स को अगर आप इंटरलिंक कर लीजिए, तो आप शायद समझ पाइएगा कि कितना क्या पढ़ना है किसी टॉपिक में। और हर बार जरूरी नहीं कि हर टॉपिक में कुछ जो भी नया आता है आप उसे बस अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड कर लीजिए, इस तरीके से हम कर। क्योंकि आपका ये फिफ्थ अटेम्प्ट है और ऑल इंडिया में आप जो आज के दिन में हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, राइट, और अभी आपके पास अटेम्प्ट बाकी, अब दोबारा भी आपको देना भी एग्जाम, राइट। तो ऐसी हालत में जो एक जर्नी रही है आपकी फर्स्ट से फिफ्थ अटेम्प्ट तक, ये अपने आप में बहुत अनुभव का एक पीरियड रहा होगा कि कैसे आपने किया, कहाँ कहाँ। तो एक तो पहले ये बताइए कि जो रिजल्ट है, किस साल के एग्जाम से आपने शुरू किया और रिजल्ट कैसे कैसे क्या रहा, क्या चेंजेस लाए आप अपने अंदर? सर, जब मैंने इनिशियली तैयारी शुरू की तो मैं जॉब के साथ मैंने तैयारी शुरू की थी, और चूंकि मैं मीडिया सेक्टर में काम करती थी तो कोई वर्किंग आवर नहीं होता था, तो बस ये होता था कि मैं चूंकि न्यूज़ पढ़ती थी और ये सब चीज़ें पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी मेरी ठीक ठाक, बट आई वॉज रॉन्ग। और जो मेरे इनिशियल अटेम्प्ट थे वो मैंने उसी के साथ दिए जिसमें मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर। ये कौन सा ईयर था पहला अटेम्प्ट का? फर्स्ट अटेम्प्ट सर मैंने 2014 में दिया था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद से फिर मैंने दो और अटेम्प्ट्स दिए जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और वो सब मैं जॉब के साथ ही दे रही थी। देन फाइनली आई रियलाइज कि मुझे छोड़ना होगा और फिर मुझे पूरी तरीके से फुल प्रिपरेशन में लगना होगा। और तब मैं 2016 में ही मैं दिल्ली आई, उसके पहले मैं कोलकाता में थी, और यहाँ आने के बाद से देन मैंने स्टार्ट किया फुल टाइम प्रिपरेशन। और फिर 2017 में मैं मेन्स तक गई और अच्छा स्कोर था मेरा मेन्स में, बट देन मुझे लगा कि फाइनल जो लिस्ट है उसमें आने के लिए मुझे थोड़े और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े और अगर कहीं से गाइडेंस मिल सके, क्योंकि लगभग जो मेरी तैयारी थी वो मैंने खुद ही की थी, कहीं से बहुत गाइडेंस वगैरह नहीं लिया था। देन फाइनली मैंने एक साल का ड्रॉप किया 2018 में, और एक साल के पूरे ड्रॉप के बाद मैंने पूरी जो तैयारी है वो अपनी एक साल में की, जो भी मेरी कमियाँ मुझे लगती थी उसको मैंने ओवरकम किया, एंड देन फाइनली मैंने ये अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2019 का एग्जामिनेशन फिर आपने बिल्कुल अब फोकस्ड होके दिया और आपका ये सिलेक्शन इसमें हुआ। ये कि देखो, चूंकि कुल मिला के मैटर हमारा हिंदी मीडियम को लेकर के चल रहा है, तो ये जो सफर है शुरू से लेकर के अपने जो रियल अनुभव है आपका, कि हमने चलो थोड़े पार्शियली अटेम्प्ट करके देखते हैं, फिर ट्राई करके देखते हैं, ऐसे भी सिचुएशन आया होगा, फिर फाइनली रियलाइज किया कि नहीं मुझे तो इसको अपना फुल स्पिरिट में देना पड़ेगा। तो बहुत सारी तरह की समस्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ हो जाती है कि जहाँ लोग सोचते हैं चलो अभी एक दो बार अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, तो क्या इस तरह की भावना आपके मन में भी थी क्या स्टार्टिंग में? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली बिहार में और यूपी साइड में ये कि मेंटालिटी होती है कि एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दे देते हैं। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं इनिशियल के जो अटेम्प्ट्स थे मेरे, वो मेरे पे हावी था। देन सडनली आई रियलाइज कि नहीं, मतलब ये पार्शियल तैयारी के साथ एग्जाम देना, इसमें ये हो रहा है कि मैं क्लियर तो कर नहीं पा रही हूँ, और दूसरा उसको क्लियर नहीं करने का जो मेंटल जो टेंशन स्ट्रेस है वो मेरा बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि सर, जस्ट बिकॉज कि आपको एक्सपीरियंस करना है और ऐसे ही एग्जाम देना है, वो नहीं देना चाहिए। तो बेहतर है कि आप अपनी एक साल, डेढ़ साल, दो साल, जितना भी आपको वक्त लगे, आप पूरी तैयारी करिए, पूरी प्रॉपर तैयारी करिए और फिर ही इस एग्जाम को दीजिए। मुझे लगता है इतनी तैयारी के बाद आप जरूर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम क्लियर करने में। कहने का मतलब है कि एग्जाम को
अब अजमाने के हिसाब से मत दीजिए कि थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है. टेक एवरी अटेम्प्ट एज ए सीरियस अटेम्प्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट. बिल्कुल और दूसरी चीज है कि बहुत सारे किताबों के बोझ में ना दब जाएं, जो फंडामेंटल बुक्स हैं, जिसमें आपने भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ाई जरूर की होगी, उसके बिल्कुल अलावा कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए, जी उसको आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे ही रहना. और एक किताब को तीन बार चार मल्टीपल पढ़ना ज्यादा समझदारी, रदर की चार किताब को एक एक बार पढ़ एक बार करके. बिल्कुल देर नहीं, यस तो क्या आप बिल्कुल कुछ अपनी नोट्स भी बनाती थी ऋचा अपने पढ़ाई में? सर मेरी चूंकि तैयारी लगभग मेरी मतलब मेरी खुद सेल्फ प्रिपरेशन थी, तो मैंने लगभग हर टॉपिक्स के नोट्स जो है वो बना रखे थे 200-250 वर्ड्स के। मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि पेपर में अगर इस टॉपिक से आया तो ऐसा कुछ ना हो कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, उस राइट. हिसाब से मैंने अपने नोट्स तैयार किए। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें कह रही हैं, कह रही हैं 200-250 वर्ड में सब टॉपिक भी बनाया. आमतौर पे जो मेरा अनुभव रहा है, स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम में क्या करते हैं, बहुत डिटेल एलाबोरेट नोट बना लेते हैं. मतलब 5-6 किताब इकट्ठा किया और उसके बाद फिर से एक किताब और बना लिया. इज इट राइट? यस सर होती हो उसके जाती है वो। उसके बाद पता चला कि उसी के बोझ में फिर रह गए कि क्या पढ़े. मुझे अभी आपने लगता कहा है कि नहीं, मैंने जो तैयारी की उसमें हर टॉपिक पे 100-200 वर्ड मैंने लिख के रखा या समझ ले कोशिश करी ताकि कुछ भी आए तो बता सकेंगे. राइट. तो नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स की क्या वैल्यू है? सर कैसे नोट्स बनाया बनाना चाहिए, मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो ज़रूर देखिए। जैसे राइट. ही आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैसे पूछे जाते थे, और कहीं ना कहीं आपको एक समझ में आएगा कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक पार्ट जो होता है वो ये है कि जैसे आपने टॉपिक, जैसे मैं इंट्रोडक्शन मैंने प्रिपेयर कर लिया कि अच्छा हेल्थ है तो मैं स्टैट्स से शुरू करूंगी, या फिर मैं ऐसा करती थी कि जैसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस मुझे लगते थे उनके लिए मैं स्टैट्स प्रिपेयर कर लेती थी इंट्रोडक्शन के लिए, और वो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है अपने मेंस के पेपर में, तो मेरे पास इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बॉडी मैं छोटा करती थी। ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम में हम देखते हैं कि वो लोग शब्द बाई शब्द बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नहीं बना के छोटे छोटे बना लीजिए कि उसी में पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल जितने भी आपको लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनमें आप उसको तोड़ लीजिए। एंड देन आप जो वे फॉरवर्ड है उसमें जो डिफरेंट कमिटीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटर स्टेट रिलेशंस पे कुछ आता है या फिर फेडरल सिस्टम पे कुछ आता है, तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट हो गई, इस तरीके के रिपोर्ट्स जो हैं वो आप वे फॉरवर्ड में आगे के मार्ग में दे सकते हैं। और एंड डिपेंड करता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चन होता था तो मैंने कोट जो है वो प्रिपेयर किए हुए थे कि मैं किसी के कोट लिख दूंगी, या फिर जैसे धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न इस बार आया था तो मैंने जवाहरलाल नेहरू जी का जो कोट है धर्मनिरपेक्षता पे वो प्रिपेयर किया था, तो मैंने एंड जो है वो उससे किया। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि आपका नोट्स जिसमें 200-250 शब्द में ऐसा होना चाहिए कि एक तरह से रेडीमेड आंसर है आपके पास, और कुछ नया आता है तो आप उसको ऐड कर लीजिए उसमें, चाहे स्टिकी नोट्स से ऐड कर लीजिए या फिर आपको लगता है कि नहीं और लिखना है तो पेज डाल के ऐड कर लीजिए, तो उस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। कंसाइज बनाइए, क्रिस्प बनाइए, बहुत ये बड़ा आपके थोड़ा मैं और इनको एक्सप्लेन कर दूं लोगों को कि जी सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो आपको ऑडियंस वॉच कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस की क्लैरिटी चाहिए कंप्लीट. फिर कोई भी सिलेबस का सेगमेंट आपके लिए वेग ना रह जाए, ब्रीफ हो लेकिन एक क्लियर इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए. उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज हैं सिलेबस के जहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉब्लम इश्यूज हैं. ये जब आप पिछले साल के क्वेश्चन को आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है. एंड जो आपने भी कहा कि नोट्स के नाम पर कुछ कंटेंट उससे रिलेटेड, कुछ कोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये चीजें यदि आपके कलेक्शन में रेडी रहे तो आपको अपने आंसर को एनरिच करने में हेल्प होगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें क्या है कि ऑल द थ्री स्टेजेस एग्जाम में, हमने सीसेट की तो बात कर ली लेकिन अब आता है प्री मेंस एंड इंटरव्यू. ये तीन जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें से प्रीलिम्स का नेचर एक अपना अलग तरह का एग्जाम है. तो अब सबसे पहले आप ही बताइए कि आपने अपना प्रिपरेशन को प्री मेंस अलग अलग रखा या इंटीग्रेटेड रखा प्रिपरेशन? मैंने सर इंटीग्रेटेड ही रखा, अलग अलग इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया. यस
इसके बारे में आप बताइए कि क्यों लोगों को इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है तो वो फैक्चुअल नहीं पूछती प्रीलिम्स में भी। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आने लगे हैं प्रीलिम्स में। फॉर एग्जाम्पल वो ये पूछेंगे कि राइट टू प्राइवेसी किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, तो उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि आर्टिकल 21 कौन सा राइट है, उन्होंने ये पूछ दिया कि राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के उससे रिलेटेड जजमेंट पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो होता है, और वो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉर मेंस के लिए तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सेग्रीगेशन है कि प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ूं, मेंस के लिए अलग पढ़ूं, बिल्कुल नहीं। जब आप सिलेबस देखिएगा तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एक है। अंतर ये होता है कि मेंस में आपको थोड़ा डेप्थ में जाना होता है, प्रीलिम्स के लिए उतने डेप्थ की जरूरत नहीं होती। अगेन आप ये कर सकते हैं कि प्रीलिम्स के पहले, जैसे मैंने किया था कि मैंने स्टार्टिंग से मार्च से मैंने क्या किया कि मैंने जो एथिक्स का पेपर है या वर्ल्ड हिस्ट्री है जो नहीं पूछे जाते प्रीलिम्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स को मैंने छोड़ दिया। एंड देन मैंने मार्च से लेकर और जून तक जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा। उसमें जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़िए, टेस्ट वगैरह दीजिए, एंड आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अपने 90 डेज जो है वो रख सकते हैं। करेक्ट। प्रीलिम्स का जो कुछ खास चीजें जो ध्यान करने चाहिए, तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया क्योंकि सिलेबस कॉमन है, हिस्ट्री प्री में है तो हिस्ट्री मेंस में भी है, ज्योग्राफी प्री में है तो मेंस में, इस प्रकार से तमाम सब्जेक्ट एक्सेप्टिंग योर फ्यू सेगमेंट्स को छोड़कर करीब करीब सारी चीजें आपकी एलाबोरेट होकर के मेंस में भी आ जाती। लेकिन कुछ प्रीलिम्स के कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने समझा होगा कि वो क्या लगता है, किन बातों पे प्री पे ध्यान देना चाहिए ताकि प्री में सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाए, वो क्या हो आप कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप जो प्रीलिम्स है उसको समझिए। एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर जो है वो हाल के दिनों में थोड़ा टफ होते जा रहा है। जैसे मैंने भी इतने लंबे टाइम पे प्रीलिम्स दिया है तो एक मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि वो टफेस्ट थोड़ा होते जा रहा है, थोड़ा वो कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप पेपर के पहले जो मॉक टेस्ट वगैरह हम देते हैं तो आप मॉक टेस्ट देके अपने आप को प्रिपेयर करिए। आप जहाँ भी वल्नरेबल अपने आप को महसूस करते हैं, ये हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति का जो हिस्ट्री बहुत अच्छा है लेकिन उनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी प्रिपेयर नहीं है, तो वो अपने उस स्ट्रेंथ को एनालाइज कर लें प्रीलिम्स के पहले, मॉक टेस्ट वगैरह देखें और जो कमी है उसको दूर करें। द सेकेंड थिंग इज कि पेपर अगर टफ है तो भी आप प्रीलिम्स में अपना होप लूज मत करिए कि अरे इतना टफ है मेरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस बार जो 2019 का पेपर था वो इतना टफ था कि मैंने, मेरा खुद ऐसा था कि मैं पहली गो में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही लग रहे थे मुझसे कि 100% श्योर हूँ। उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि जो जो क्वेश्चन पे मैं टिक करूंगी वो सही होंगे या गलत होंगे। देन अपने आप को बैक करिए कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो बाकियों से भी नहीं होगा, बाकियों के लिए भी टफ है। और फिर उस तरीके से अपने आपको मेंटली जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स करिए, फोकस करिए और पेपर अच्छे से दीजिए। एक सवाल मन में रहता है कि इतनी सारी चीजें याद रखना, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं ना, रिटेंशन की पॉज और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रिटेंशन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, तो उसके लिए कि याद कैसे रखें, क्या कहना चाहेंगे इसमें, हाउ टू कीप रिमेम्बरिंग थिंग्स? तो मुझे लगता है कि अगर आप चीजों को रिवाइज करिएगा तो याद रखने की जो समस्या है वो उतनी नहीं होगी। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूपीएससी का सिलेबस है भी इतना वास्ट, तो टाइमली रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज है कि सर अगर आप रटने की जगह कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं तो भी मुझे लगता है कि वो जो याद रखने की परेशानी है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप अपना, जैसे हम लोग ये करते थे कि मैं हर टॉपिक्स के और अपने नोट्स के भी नोट्स बना लेते थे। जैसे एक नोट्स बनाया उसका भी शॉर्ट नोट्स बना लिया। जैसे दो पन्ने का मेरा 250 वर्ड्स का नोट है उसको मैंने हाफ पेज का कर लिया या हाफ पेज से भी 1/4 पेज का कर लिया और उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है बुलेट्स में लिख लिए और उसको देखा, तो उससे ये होता है सर कि आप क्विकली क्विकली जो है रिवाइज कर पाते हैं चीजों। रिविजन इज वेरी इम्पोर्टेंट, इज वेरी क्रूशियल। यदि पढ़ते जाए आपने रिविजन का टाइम नहीं निकाला तो नेचुरली वो उतर जाएगी। इसलिए इसका मतलब है कि आपको इस ढंग से पढ़ना चाहिए ताकि आप चाहे किताब के अंदर लिख लें या अलग से कुछ अपने उसके फुट नोट्स बना लें या एक एडिशनल पेज लगा रहे, लेकिन रिविजन के लिए भी आपको स्कोप बना के चलना होगा और कम से कम एक पीरियडिकली वंस ए वीक 15 डेज में ये तो रिविजन सब्जेक्ट का होते रहना चाहिए और प्रैक्टिस से कंप्लीट चीजें होती रहेंगी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन से ठीक पहले, जैसे अभी एग्जाम आने वाला है 4 अक्टूबर का, ऐसे लोगों को जो अभी एग्जाम के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभी भी और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इनको क्या जो चीजें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
सर प्रीलिम्स एग्जाम में मुश्किल से 15 दिन का भी समय नहीं रह गया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप मॉक जरूर दीजिए और एक टेस्ट पेपर लगाइए हर रोज। सेकेंड थिंग कि आप जो यूपीएससी के प्रीवियस प्रीलिम्स के पेपर हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि जो लैंग्वेज यूपीएससी के पेपर्स की होती है और जो जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफर करती है। तो यूपीएससी के पेपर्स के जब आप लैंग्वेज को समझिएगा तो कहीं ना कहीं आप उससे फैमिलियर होते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देख के आपको अचानक से बहुत अजीब सा नहीं लगता, एक चीज हो जाएगी। तो सेकेंड थिंग इज कि अगर पेपर टफ आता है तो भी मैं कहूंगी कि अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप अपने ऊपर पूरा भरोसा दिखाइए, नर्वस मत होइए, मेंटली जो ब्रेकडाउन होता है मेंटल ब्रेकडाउन वो मत अपना करिए, और अपने आप को बैक करिए और पेपर अच्छे से देख के आइए एट एनी कॉस्ट। मैं ये नहीं कहती कि आप 100 क्वेश्चंस मारिए, मैंने कभी 100 क्वेश्चंस नहीं लगाए, मैं हमेशा एक्यूरेसी पे जाती थी, 80, 82, ये मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट रहा होगा प्रीलिम्स में। तो मुझे लगता है कि जितना आता है उतना करिए, गलतियां जितनी कम हो सके वो उसको कम करने की कोशिश। आपने कहा एग्जामिनेशन अच्छा से देख के आइए। एग्जामिनेशन सारी तैयारी करने के बाद स्टूडेंट से कई बार सीरियस मिस्टेक्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके हो जाती है, बिल्कुल तो वो सारी चीजें जो गलतियां हो सकती हैं या आमतौर पर स्टूडेंट कर डालते हैं उसके बारे में जरा बताइए। सर, एक तो हो जाता है जैसे कि कई बार पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस जो है एक सिली मिस्टेक सा हो जाता है कि आप क्वेश्चन लिखा कुछ और है, आपका दिमाग कुछ और पढ़ लेता है। ऐसा मेरे साथ भी एक दो बार हुआ था कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद के स्थगन के बारे में और मैं कुछ और ही उसको पढ़ रही हूँ, तो वो उसकी वजह से मैंने अपने दिमाग में कुछ और ही पढ़ लिया और उसका गलत लगा दिया। तो वो इसलिए होता है बेसिकली कि हम रेस्टलेस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, या फिर एंजाइटी, बहुत एनेक्शियस हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को देख के। तो मुझे लगता है कि उस चीज को थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने की जरूरत है और शांति से पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, एकदम हड़बड़ी में मत जाइए, क्योंकि यू हैव 2 आवर्स, 2 घंटे का है टाइम, और 2 घंटे के टाइम में पेपर अगर आप अच्छे से करिएगा तो बहुत छूटेगा नहीं। तो मुझे लगता है सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या पूछ रहे हैं वो, एंड देन उसको आंसर कीजिए, हर बार 8 में पेपर में। और टेंशन में मत आइए कि अगर ये हो सकता है कि जैसे ABCD सेट मिलते हैं हमें, तो कभी इजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले 4 पन्ने में किसी सेट के होते हैं, किसी सेट में जो है टफेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्टिंग के 4 पेजेस में होते हैं। तो इट पॉसिबल कि आप स्टार्टिंग के 4 पन्ने में आपको 2 क्वेश्चन ही आता है, 3 क्वेश्चन ही आता है, ये पॉसिबल है। तो उसमें भी नर्वस मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही आप 5वें या 6ठे पेज पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं और सबके सब सही आते हैं। तो बिल्कुल भी नर्वस मत होइए और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जाइए पेपर में, एक कहने का मतलब क्वेश्चन ये फेल कि नहीं, बहुत एक इंटेलिजेंट अप्रोच, कूल कूल एंड काम रहना कूल एंड काम, पड़ेगा, बिल्कुल और उसके बाद ये जजमेंट करना कि भाई शुरू के कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता है किस सीरीज में, हो सकता है बाद के क्वेश्चन आपके अच्छे हो, तो जो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उसको तो आप करके मार्क पहले कर लीजिए, राइट। और बिल्कुल मार्क करने में भी कोई गलती ना करें कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और मार्क कर रहे हैं उधर से 7 पे, वो हड़बड़ी और में गड़बड़ होगा, इसलिए OMR, इसलिए मैं कि पहले ही थोड़ा अगर 15 दिन पहले से थोड़ा OMR कलर करने की आदत डाल लें तो उस दिन शायद वो गलती उतनी नहीं होगी, लेकिन राइट प्रैक्टिस करके पहले ही जाना बेटर उसमें से चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो है। यस क्या आप चाहेंगे जो क्वेश्चन जानते वही या कुछ गेस वर्क के आसपास में भी कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल, आप सब आपके। करते ही है सर गेस वर्क, जैसे कि 50-50 होता है कि 2 ऑप्शन आपको बिल्कुल पता है कि नहीं है और 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हैं, तो देन आपको वहां पे सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो उसमें ऐसा होता है कि 10 में 5 सही है 5 गलत है, या कभी कभी 10 में 7 सही हो जाता है 3 गलत हो जाता है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग और ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, वो जो इंटेलिजेंट गेसिंग वाली चीजें हैं वो प्रैक्टिस से वो ही दैट इज वेरी करेक्ट वर्ड आपने कहा, इंटेलिजेंट गेसिंग। आएंगी। ओके, आई होप कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इस बात की क्लैरिटी उनको मिलेगी। बिल्कुल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है बेसिकली पढ़ाई के साथ साथ उसमें काफी सारी चीजें जो एक स्किल कहते हैं एग्जामिनेशन स्किल, इन पर डिपेंड करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन स्किल को भी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ी सी बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जिसको कहते हैं थोड़ी सी उसको कुछ पॉइंट फॉर्म में कुछ है तो आप बताओ उसको। इम्पॉर्टेंट स्किल में सर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आपको कि जब आप प्रीलिम्स लीजिए तो आप पेपर जब लीजिए तो आप सबसे पहले जैसे मैं करती थी, मैं क्या करती थी कि मैं सारे क्वेश्चंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देती थी। द फर्स्ट वन जो मुझे 100% में श्योर होती थी और मैं इनिशियली उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी जिसको मैं 100% श्योर हूँ कि ये सही है मेरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थोड़ी इंटेलिजेंट गेसिंग करनी होती है,
तो वैसे क्वेश्चन जो होते थे मैं उनको सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई करती थी, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, जानती हूँ, लेकिन उस समय एकदम वन गो में स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो वैसे क्वेश्चन होते थे उसको मैं सेकेंड गो में बनाती थी। थर्ड गो में वैसे क्वेश्चन होते थे जो 50-50 है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके दो ऑप्शन मुझे बिल्कुल पता है कि नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि दोनों में से कौन से सही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, इसके लिए आपको थोड़ा रिस्क जो है लेना पड़ेगा, पर ये रिस्क आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। आप ये देखिए कि ये कहीं ऐसा ना हो कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं। तो इसमें आप अपना जो है कैलकुलेटिव रिस्क अपने हिसाब से लीजिए। इसको और एक इंटेलिजेंट गेस कहते हैं ना, इंटेलिजेंट गेस भी बिल्कुल कहते इंटेलिजेंट गेसिंग कर। एंड द लास्ट पॉइंट की जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते थे, मैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं करती थी। वो मैं उन्हें ऐसा लगता था कि वो वाइल्ड गेसिंग हो जाएगी, मैं जानती ही नहीं उस चीज़ के बारे में, तो मैं उसको गेस नहीं कर सकती। तो ये जो चार कैटेगरी होती थी, इसमें मैं आपको अपने क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर लेती थी, एंड देन मैं अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आप 80-82 सवाल बनाते हैं और आपके 65-68 ऐसे सही हैं और 10-12-15 10 गलत भी हो रहे हैं 15, तो आप इन हैं। और एक की 110+ स्कोर जो है आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, तो मुझे 110+ या 120+ इस तरीके से करना है। ये जो दिमाग में ये मोटिव लेके बिल्कुल मत जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि ये पेपर टू पेपर कट ऑफ डिपेंड करता है। जैसे किसी कभी प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है 120+ भी गया है, तो इस बार का कट ऑफ जो है वो 98 है। तो वो आप पे आपके उस मेंटली आप अगर ये फ्रेम करके जाइएगा कि मुझे 120+ लाना ही है, तो शायद आप गलतियां कर देंगे पेपर में। क्योंकि हो सकता है कि पेपर जो है रिलेटिवली बहुत टफ हो और 98 ही कट ऑफ जाए। तो ऐसे में अपने आपको जो है मेंटली काफी स्टेबल करके आपको पेपर देना होगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली एक्चुअली इस एग्जामिनेशन के अंदर में एक ओपन माइंड से यदि कैंडिडेट जाए, बहुत बिल्कुल सारे पहले से बहुत सारे मिथ लेके ना जाए, बहुत सारे आपका स्ट्रेंथ दिमाग में ना रखें, तो काफी परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। एक जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी की जो बात होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर की, बहुत टफ है, मुश्किल है, इन चीजों से जितना ये फियर बढ़ेगा उतना सारा एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। एग्जाम सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी वही है जो हिंदी में है, वो इंग्लिश में, दूसरे मीडियम में भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। मेंस बिल्कुल एग्जामिनेशन में जो बेसिक क्वालिटी जो आपको लगता है डिफरेंट है, जैसे प्री और मेंस की पढ़ाई तो साथ की है लेकिन अप्रोच डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपको 1750 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं जिसमें मेरिट बनेगा। इसके अलावा भी हिंदी और इंग्लिश के दो पेपर आपके पास और भी होंगे, राइट? तो वो बेसिक चेंज ऑफ अप्रोच कह लीजिए, कंटिन्यूटी और चेंज, क्या प्री में से कंटिन्यू कुछ बनता है या क्या मेंस में कोई क्या चेंज अप्रोच में होना चाहिए, बताइए। मुझे लगता है सर कि जैसे मैंने कहा कि मैंने तो इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई की थी, तो चेंज ऑफ अप्रोच ये हो जाता है कि जैसा आपने कहा कि ये पेपर जो है इसमें आपको लिखना होता है, और प्रीलिम्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं और आपको उन ऑप्शंस में से सही चूज करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बेसिक डिफरेंस है कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर एक सब्जेक्टिव पेपर। जब आप राइट रिटर्न करते हैं तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद से यहाँ से जो है असली हमारी जो जर्नी है वो शुरू होती है। प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन राउंड है, यहाँ पे आप एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद से मेंस की तैयारी है। तो हाँ, मेंस की तैयारी में बेसिकली प्री को स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जी लेकिन ऑन द लॉन्ग एलिमिनेशन की यदि नॉन सीरियस होंगे तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे ऐसे बिल्कुल इसके प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान दिलाना, जो आपने भी कहा ऑप्शंस, जब बिल्कुल 4 ऑप्शंस आते हैं तो ये भी सर्विस के नेचर के हिसाब से, जब आप जॉब में होंगे तो उसमें इस तरह के डिसीजन के ऑप्शंस आएंगे, ये ठीक है, वो ठीक है, या थर्ड, एक एट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट ऑप्शन, ये आपके सर्विस में जो आगे काम आने वाला है उसी चीज का टेस्ट में एग्जामिनेशन में भी 4 ऑप्शन दे करके एग्जामिनर आपसे ले रहा है कि ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उसमें से 4 करेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं, 2 करेक्ट हैं, या 1 करेक्ट है, ये कहे तो सबसे ज्यादा करेक्ट वो क्यों है। तो ये भी एक अप्रोच है, मैंने बेसिकली प्री में आपको एक रिटेंशन पावर कि रेलेवेंट फैक्ट्स याद रहे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, एंड इसको कहते हैं एक्यूमेन टू सेलेक्ट बेस्ट ऑफ द गिवन ऑप्शन, कि 4 ऑप्शन में क्या रहे। अब आपने रेटिंग राइटिंग की जो बात की है, तो हमने कहा कि कंटिन्यूटी और चेंज, कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन की कंटिन्यूटी तो होगी, अप्रोच बदलने जा रहा है क्योंकि वहां आपको लिखना है, ओपिनियन देने हैं, डिस्कस करना है, राइट? तो इन चीजों को डेवलप करने के लिए आपने कैसे क्या किया,
जो लोगों को बताना चाहेंगे? सर, जहाँ तक मेरा मेंस की तैयारी का अप्रोच है, तो सबसे पहले बात यह है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि विचारधारा की बात आ जाती है, जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो वामपंथी विचारधारा का हो सकता है, और बहुत से ऐसी चीज़ हो सकती है कि दक्षिणपंथी है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो है, जब आप मेन साइंस का राइटिंग करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम भी थोड़े बहुत किसी एक विचारधारा को सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर में न्यूट्रल दिखिए, आप ऐसा ना लगे आपके कि आपने जो भी आंसर्स में आर्ग्यूमेंट पुट किए हैं वो आप किसी स्पेसिफिक विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक नेचुरल ये आप जो है नीचे एक न्यूट्रल बहुत आंसर। इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात कर रही हैं, विचारधारा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि विचारधारा से क्या मतलब है आपका? विचारधारा से मतलब ये है सर कि आइडियोलॉजी, जिसको इंग्लिश में आइडियोलॉजी कहते हैं, मेरा ये कहना है कि सर, जो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो कुछ उसके क्रिटिक्स हो सकते हैं और कुछ उसके सपोर्टर्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने क्वेश्चंस में इन दोनों का एक सही तालमेल जो है वो डालना है। सेकंड थिंग सर, मैं एग्जांपल से बताऊंगी। जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री में एक जो है वो एक वामपंथी विचारधारा के हिस्टोरियंस है, एक नेशनलिस्ट विचारधारा के हिस्टोरियंस है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आंसर में ना ही ये लगिए कि आपने पूरी की पूरी आप वामपंथी विचारधारा के ही की जो हिस्टोरियोग्राफी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही ये लगना चाहिए कि आप पूरी नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ अपने से ना कहिए। मुझे लगता है कि ये जो एक रिथोरिक राइटिंग होती है वो अप्रोच की जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्टोरियन के नाम के साथ अपने आंसर को लिखूं कि शेखर बंदोपाध्याय ने ये कहा या फिर जोनाथन इसराइल ने ये कहा, तो इस तरीके की चीज़ें जब आप लिखते हैं तो आप हिस्टोरियन को कोट करके उन चीज़ों को लिख रहे होते, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर वो आर्ग्यूमेंट नहीं आता। तो आप आर्ग्यूमेंट अपने आंसर में लिख भी पाते हैं और ये नहीं लगेगा कि वो आपने अपनी तरह से कुछ नया प्रेजेंट ये किया। आपकी आइडियोलॉजी से कहीं बन रहा है, राइट? जी बिल्कुल। यहाँ यहाँ आपके ऑडियंस को पहले ये भी बता दें कि ये न्यूट्रलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल आप सर्विस में जब होंगे तो सर्विस में डिफरेंट पार्टीज की सरकारें बनेंगी, डिफरेंट आइडियोलॉजी होंगे, तो इसमें ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू आर नॉट अफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल क्योंकि आपको अपने सर्विस काल में कई सरकारें आपके सामने बदल जाएंगी, कई चीफ मिनिस्टर बदल जाएंगे, कई पार्टी के सरकार स्टेट में और सेंटर में भी बदल जाएंगे, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है, विच इज देयर जो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है और जो निष्पक्षता उसके अंदर होनी चाहिए वो आप बनाए रखेंगे। आपका बिल्कुल पर्सनल लेफ्टिस्ट राइटिस्ट अप्रोच या किसी तरह का कोई अप्रोच आपके साथ वहां दिखना नहीं चाहिए, यू शुड बी क्वाइट नेचुरल नेचुरल एंड न्यूट्रल ऑन दैट इंटायर थिंग, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट लेना है, राइट? बिल्कुल अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आजकल एक और चीज़ चल रही है कि आंसर्स में जो है वो कितना फैक्ट डालें या कितने डायग्राम्स डालें, तो एक ये भी चीज़ है कि लोग उसके पीछे भी फैक्ट्स और डायग्राम बनाने और कलेक्ट करने के पीछे भागते हैं। मुझे लगता है ये भी थोड़ा इसको ओवरडू मत करिए। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस को आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे पिछली बार का क्वेश्चन था धर्म निरपेक्ष था भारत और फ्रांस के केस में, तो उसमें आपको फैक्ट की जरूरत नहीं है उस सवाल में। तो ये सवाल दर सवाल निर्भर करता है, लेकिन अगर शिक्षा का सवाल या स्वास्थ्य रिलेटेड सवाल है या इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन है या GST रिलेटेड है, उसमें आपको डेफिनेटली फैक्ट चाहिए। तो आप ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि सिलेबस के किस पोर्शन के लिए आपको फैक्ट। क्या बोल, तो दूसरी चीज़ है कि आजकल मेंस आंसर राइटिंग में लोग फैक्ट्स और डायग्राम्स के पीछे जो है वो भी बहुत उसको कलेक्ट करते हैं और जो चाहते हैं कि उसको ओवरडू करें, पर मुझे लगता है कि ये इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस क्वेश्चन में फैक्ट्स की ज़रूरत है, डायग्राम की ज़रूरत है और किस में नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले साल का क्वेश्चन था भारत और फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता का जो तुलना की गई थी, तो पूछा गया था, उसमें हमें फैक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल अगर इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन है या GST रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए हमें फैक्ट्स चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस में आइडेंटिफाई करिए कि किस पोर्शन के लिए आपको फैक्ट्स डायग्राम्स की ज़रूरत है, किस पोर्शन के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तो उसमें आपको डायग्राम बनाने ही होंगे अगर वो उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं के बारे में या इस तरीके की चीज़ें पूछ रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो आप पहले ही अपने दिमाग में एक खाका तैयार कर लें पेपर के पहले ही कि मुझे कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। और ओवरडू करने की जरूरत नहीं है कि 200 सवाल में डायग्राम बना दिए, 200 सवाल में बहुत सारे फैक्ट डाल दिए।
सवाल को पढ़िए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग में जब तक हम सवाल को पढ़ के उसको समझने की कोशिश नहीं करते तब तक सवाल जो है हम अच्छा नहीं लिख पाते। तो सवाल को पढ़ना, समझना, ग्रैस्प करना कि क्या पूछा है एग्जैक्टली और फिर अकॉर्डिंगली लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस की तैयारी। और ये अगेन ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा सर, मुझे ऐसा। स्पेसिफिकली आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहां आपके हर क्वेश्चन में एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपकी सोच, आपकी परफॉर्मेंस, आपके टोटल अप्रोच कैसा होने जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कितनी टू द पॉइंट रहते हैं, कंसाइज रहते हैं, और साथ साथ उसके पीछे एक बिग पिक्चर जिसको कहते हैं वो आपका किस प्रकार से, तो नेचुरली ये प्रैक्टिस से ज्यादा आएगा। Hello, this is Junaid Ahmed and my experience with Chanakya for my mock interview was really good. I met the board, they were very experienced and the kind of questions they asked were very diverse. The questions they asked were from DAF plus current affairs, so they gave a holistic idea of the kind of questions that may be asked in my interview. Plus, apart from the questions, the things which they focused upon was the presentation, how you need to present yourself in front of the interview board. So your verbal, non-verbal traits which are there, your sitting posture, the way you enter, and all these things, they also play an important role during your interview. So the suggestions which were there regarding this, they were also very helpful. I wish Chanakya and its team all the best, and I hope in the future also they'll keep helping the future aspirants in getting their goals. Thank you. थोड़ी सी हम लोग क्विकली अब पेपर वाइज थोड़ा चर्चा करते हैं, जिसमें इस करीब करीब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे हम लोग के। जैसे पेपर वन मेंस का जो जनरल स्टडीज पेपर वन है, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पास, और इंडियन सोसाइटी भी है। तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, ये बैकग्राउंड नहीं है, और है भी उनके लिए भी, क्योंकि कई बार लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस में भी ले लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हिस्ट्री और कल्चर का स्कोप ऑफ सब्जेक्ट प्री में क्या है और मेंस में क्या है और अप्रोच क्या होना चाहिए? मुझे लगता है सर कि जो मॉडर्न हिस्ट्री हम जो आधुनिक भारत पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, और जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू हो जाता है मेंस में। मेंस में बिल्कुल, बस थोड़ा अंतर ये होगा कि भाई कि आपकी आंसर राइटिंग में जो है वो हिस्टोरियोग्राफी वगैरह वो सब चीजें ऐड होंगी जो प्रीलिम्स के लिए उतना मायने नहीं रखती है, तो ये एक चीज हो जाती है। दूसरा सर, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सेक्शन जो है वो एक नया आके ऐड होता है जो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, तो उसको आपको प्रिपेयर करना होगा। ज्योग्राफी जो है वो अगेन प्रीलिम्स में ही आप अच्छे से पढ़ते हो। मैं खुद भी प्रीलिम्स की तैयारी में जो ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी वो उसी टाइम अच्छे से पढ़ ली थी। मीन्स के में इतना टाइम ही नहीं मिला कि बस ज्योग्राफी को रिवाइज किया क्विकली, जैसे रिवाइज करके बिल्कुल वही तैयारी काम आ गई। और इंडियन सोसाइटी के लिए सर आपको अगेन, चूंकि जिसका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, उनको अलग से तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, पर हमें पड़ती है, तो हाँ उसको भी पढ़ना होता है, वो एक नया एड ऑन हो जाता है। उसमें कुछ चीजें जो है वो मुझे लगता है हिस्ट्री से भी रिलेटेड होती है, जैसे कि सांप्रदायिकता हो गई, क्षेत्रवाद हो गया, तो ये सारे मुद्दे जो है मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में कोई अलग से बहुत किताब पढ़ने की जरूरत है, या कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन से भी काम चलता है। सर इस बार के जो क्वेश्चंस थे मेंस के, वो लगभग बहुत करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही थे, उसके लिए बहुत डिटेल या डीप बस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है सर, बट बहुत डीप स्टडी की उतनी जरूरत नहीं थी, कि बुकिश स्टडी की मुझे ऐसा लगा इंडियन सोसाइटी में। लेकिन जहाँ तक तैयारी की बात है, तो मैंने जो टॉपिक वाइज थे, मैंने ऐसा किया था कि चूंकि मेरा ये पेपर नहीं था, तो मैंने जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे उनको उठाया, उनको देखा, देन मैंने हर टॉपिक का, जैसे कि निर्धनता है या फिर जैसे वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण में चार पांच चीजें ही आएंगी कि अच्छा क्या है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है, या फिर वो मैकडोनल्ड कल्चर जो है वो क्या है, इस तरीके की जो पाँच छह चीजें जो ध्यान में रहती है, जो पूछी भी हुई है, या फिर आप जब पढ़िएगा तो वैश्वीकरण में यही पाँच छह चीजों पर घूम फिर के सवाल पूछे भी गए हैं या आगे भी आएंगे, तो उस तरीके से तैयार कर लिया था। तो उसमें एक एनसीईआरटी हो गई, और अगर आपको जरूरत लगे तो इग्नू में कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो मटेरियल अवेलेबल है आप उनको यूज कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी में आपने ये बता दिया कि मोर ऑफ जनरल नेचर है सब्जेक्ट, कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं चाहिए, उसके लिए एनसीईआरटी की जो किताब है इंडियन
सोसाइटी और सोशियोलॉजी के ऊपर वो पढ़ लें, कुछ इग्नो के मटेरियल से कुछ रेफरेंस ले सकते हैं, और बाकी जो न्यूज़पेपर में करंट में वो इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए आपने बताया कि जो एनसीईआरटी लेवल की आपकी जो बुक है वो आपने प्री में ही कर लिया था जो आपको काम आया। हिस्ट्री में चूंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है नेचुरली वो आपके साथ होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑडियंस के लिए आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि जो मॉडर्न वर्ल्ड का सेक्शन है उसमें फोकस कहाँ है, एग्जामिनर का किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पर मुझे लगता है टॉपिक दिए हुए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, शायद आफ्टर वर्ल्ड वॉर ही है हमारे सिलेबस, राइट है, तो वो वहां से करना है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है कि अच्छी बहुत अच्छी किताब जो हिंदी में है वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने नॉर्मल लॉ को पढ़ा था वर्ल्ड हिस्ट्री की। Right. मुझे लगता था कि क्योंकि मेरा चूंकि ऑप्शनल था और मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी थी, तो मैंने तो नॉर्मल लॉ को ही पढ़ा था। और इसके अलावा अगेन मुझे लगता है कि अगर इग्नू में या मटेरियल ऐसा अगर मिल जाता है मटेरियल से भी काम हो सकता है, बढ़िया बन सकता है। आर्ट एंड कल्चर ये बहुत लोगों के लिए इजी नहीं रहता, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के कैसे आर्ट एंड कल्चर में स्कोप ऑफ सब्जेक्ट क्या और कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? सर। आर्ट एंड कल्चर मुझे लगता है कि बहुत टफ नहीं है, और जैसे कि मेरा एंशियंट हिस्ट्री है तो मैं स्टार्टिंग की कैसे जब समाज बना और कैसे वो संस्कृति डेवलप हुई और कला और संस्कृति का विकास किस तरीके से हुआ, तो मैंने तो इसे उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि फ्रॉम द स्टोन एज में जो आपकी गुफा शैल चित्रकलाएँ हैं और वहाँ से आकर मॉडर्न अभी कंटेम्प्रेरी हमारे सोसाइटी तक, उस तरीके से है। लेकिन हाँ, अगर आप किताब की बात करेंगे तो मैंने जो पहले की जो आर्ट एंड कल्चर था उसके लिए मैंने उपेंद्र सिंह की जो बुक है वो पढ़ी थी, क्योंकि वो मेरा एंशियंट हिस्ट्री में भी मुझे पढ़ना था। सेकंड, एक नितिन संघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी किताब है, उससे भी आप उसे पढ़ें तो प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। रिचा, पेपर टू के बारे में आपकी क्या सोच है? जो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे टॉपिक हैं, ये किस तरह का पेपर है, उसके लिए मेन सोर्स आपने क्या अपनाया? सर, मुझे लगता है कि जो GS2 और GS3, मुझे लगता है कि ये दो ऐसे पेपर हैं जो सबसे ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि करंट इवेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा हम इन दोनों पेपर से ही रिलेट दोनों रिलेवेंस ज़्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है सर कि GS2 के लिए जैसे बेसिक बुक जो है वो तो लक्ष्मीकांत की है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एंड एनसीईआरटी के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है, और एक जो उनकी विचारधारा वाली किताब है जो एनसीईआरटी की, जिसमें उदारवाद, स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है समता, तो ये किताब थी जिसने मेरा बेस बनाया। और इसके बाद से फिर मैंने जो भी करंट अफेयर्स होते थे उससे सफाइस किया अपने टॉपिक वाइज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और बाकी जैसे ARC की रिपोर्ट है गवर्नेंस वगैरह के लिए, मुझे लगता है ARC की रिपोर्ट भी, जैसे ई गवर्नेंस हो गया तो उसके लिए ARC की रिपोर्ट जो है मुझे लगता है मोर देन इनफ है, साथ में आप उसको करंट अफेयर्स से सफाइस कर सकते। करंट अफेयर्स इसमें कनेक्शन मतलब कि जो भी टॉपिक डिस्कशन में यदि रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के तो होंगे, बट देयर इज अ टॉपिक स्पेशली ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, एक से अलग सेक्शन ही है ये, तो उसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट को फ्यूचर में किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये जरा बताइए। सर, IR के लिए मुझे लगता है कि जो बायलैटरल रिलेशन बहुत न्यूज में रहते हैं वो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यूनेस्को वाला क्वेश्चन हो गया, तो यूनेस्को न्यूज में था अमेरिका और इसराइल की वजह से जब उन्होंने छोड़ा था यूनेस्को को, तो ये एकदम बिल्कुल करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गया। जो इंस्टीट्यूशंस है, मुझे लगता है जितने भी एक साल के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशंस आए हैं आप उनको पढ़ लें, और जैसे जो बायलैटरल रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जैसे भारत जापान हो गया या भारत अमेरिका हो गया, तो ये न्यूज में थे काफी दिनों से, वो वहीं से प्रिपेयर हो गए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि IR के लिए बेस्ट है, एक राज्यसभा TV पे सर शो आता है अगर द बिग पिक्चर करके भी आता है, और एक इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है, मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे लगता है वो दोनों शोज जो है वो मोर देन इनफ है IR के लिए। अभी हमने करंट अफेयर्स विषय को ध्यान रखते हुए अभी हमने अपने YouTube चैनल पे भी एक प्रोग्राम शुरू किया आरोहण, जिसमें कोई न कोई टॉपिक पे सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए किया, अभी जैसे तीन टॉपिक पे हमने डिस्कस किया कि NPA है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी पे किया, एंटी डिफेक्शन लॉ पे किया, अब आने वाले समय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कर रहे हैं, इससे एक पर्सपेक्टिव स्टूडेंट को डेवलप होने में हेल्प करेगा। पेपर थ्री जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कई तरह के आइटम उसमें रखे हुए हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी, तो ये सारे पेपर के बारे में जस्ट एक थोड़े ग्लिम्सेस उसका भी दीजिए कि क्या किया आपने
जो लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इकोनॉमी के लिए जैसे जो हमारा बेसिक है वो तो एनसीईआरटी की जो 12वीं की किताब है मैक्रो इकोनॉमी, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा लोग अलग अलग पढ़ते हैं, कोई रमेश सिंह की किताब पढ़ता है, कोई शंकर गणेश पढ़ता है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस किताब से ज़्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं। तो यहाँ से जब बेसिक प्रिपेयर करने के बाद इकोनॉमी का, देन मैंने इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मुझे लगता है इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं, जैसे जो भी टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टर्म जैसे कि हर आंख से आंसू पोंछना, इस तरह के टर्म्स जो हैं वो आपको जेएम का जो उद्देश्य था, तो इस तरह की चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेंगी। तो इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप इसको जो करेंटली जो भी इकोनॉमी रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो सरकार जैसे जो भी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे जीएसटी हो गया, या फिर अभी जो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जितने भी चीजें की हैं, उन सब चीजों को पढ़िए और उसको रिलेट करिए, इकोनॉमी तो ऐसे प्रिपेयर हो जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगेन सर सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए चूंकि हमारा दे रखा है टॉपिक, तो मुझे लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक वाइज जो है वो हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोबोटिक्स का दे रखा है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो इन सब पे दो दो ढाई सौ वर्ड्स के जो है वो आप नोट्स प्रिपेयर रखिए। और फिर जिस तरह से सर जो नई खोज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स हो गई, तो उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो जो है आप वो देख सकते हैं, उससे आसानी समझ में आ जाती है चीजें। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए मैंने जो शंकर आईएएस की किताब आती है उससे अपना बेस तैयार किया था, वो प्रीलिम्स के टाइम पे ही पढ़ा था, और उसके बाद से जो भी करंट डेवलपमेंट्स होते रहते हैं वो पढ़िए, वो पढ़ना जरूरी है। उसमें भी टॉपिक सर दे रखा है कि ईआईए और पॉल्यूशन एंड ऑल दैट, तो वो आपको टॉपिक वाइज बस प्रिपेयर करना है अपने नोट्स को मेंस के हिसाब से। एक नया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टाटा मैक्रो हिल की किताब आती है, आप उससे सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं समझने के लिए, और फिर आप जो जितने भी नए करंट अफेयर्स, मुझे लगता है ये सारे टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्यादा हो जाते हैं, तो देन अगेन आप उसको करंट अफेयर्स से रिलेट करिए। बेसिकली ये पेपर 3 भी करंट्स पे जो भी जो चीजें डिस्कशन में है, न्यूज में है, उन पे ज्यादा स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाय एंड लार्ज क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। नीचा पेपर 4 बिल्कुल चूंकि अलग नेचर का एक पेपर है ना, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी करी है? एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है, और उसमें आप क्या अप्रोच लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? सर एथिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर था जो जिसमें मुझे इनिशियली काफी प्रॉब्लम हुई थी, तैयारी शुरू की थी तो मुझे एथिक्स के लिए बहुत अच्छा, खुद से मैं अपने नोट्स नहीं बना पा रही थी कंटेंट, तो मैंने उसमें जो है कोचिंग की हेल्प ली थी। और इसके अलावा जैसे जैसे लेक्सिकन की एक किताब आती है तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि सर यूट्यूब पे एथिक्स के जो जैसे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पे वीडियोस कुछ कुछ अच्छे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं देखती थी क्रैश कोर्स में वीडियो है अच्छा अच्छा डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि उपयोगितावाद हो गया या इस तरीके की चीज़ों को समझने के लिए, या फिर इमैनुअल कांत और रूसो, इन लोगों को समझने के लिए जो ऐसे वीडियोस हैं वो हेल्प करते हैं। और केस स्टडी की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है केस स्टडी बिल्कुल करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होती है, और उससे आप इस तरह के इवेंट्स को जो है वो नोट करिए। एग्जांपल्स जो है वो जितने ज़्यादा लिखेंगे, जितना रियल लाइफ लगेगा केस स्टडी में, उतना मुझे लगता है कि अच्छा आपका आंसर होगा। तो मैं उसके लिए जब न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो उसके जो एग्जांपल्स होते थे वो लिख लिया करती थी और उसको यूज किया करते थे। देन अगेन आप एसे के लिए जो कोट्स वगैरह तैयार करते हैं, तो जो पूरा का पूरा जो दर्शन वाला हिस्सा है गांधी जी और इन लोगों का, तो वो उन सब चीजों के लिए मुझे अलग से बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा ऑप्शन हिस्ट्री था और साथ में मैं उसको रिलेट कर लेती थी, तो वो वहां से पढ़िए। थोड़ी बहुत उनके जो भी उनके दार्शनिक विचार हैं, कोट्स वगैरह हैं, वो जरूर प्रिपेयर करिए, वो हेल्प करेगा। और एग्जाम्पल, मुझे लगता है एथिक्स में आप कोई भी बात जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू लिखिए, शायद वो बेहतर है। एग्जांपल के तरीके अपने बातों को आपको सब्सटेंशिएट करता है आंसर को, जो भी आप पूछते हैं। वेरी गुड। इसमें एक स्पेशली आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहूंगा कि आपका जो बैकग्राउंड है क्या, मेरे ख्याल से हिस्ट्री का ऑप्शनल का बैकग्राउंड तो आपका रहा नहीं, ठीक है, क्या आपने हिस्ट्री भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई की थी? नहीं मेरे ख्याल से, तो आपने हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लिया? स्टार्टिंग में पूछा था कि आपके फादर हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे इसलिए लिया, या आपकी अभिरुचि थी, या किसी ने आपको सजेस्ट किया, कैसे लिया आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर
दो बड़े रीजन ये थे कि एक डेफिनेटली मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो घर में जो बातचीत होती थी वो माहौल काफी इतिहासमय रहता था, तो इस राइट, वजह से इतिहास के प्रति एक नेचुरल जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक रुझान जो है वो मेरा इतिहास के प्रति था। इसके अलावा जब आप हिंदी में किसी ऑप्शन की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है इतिहास एक ऐसा ऑप्शनल है जिसके लिए मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल है, बहुत अच्छी किताबें हैं मौजूद, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की आप तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं वो इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको देता है। साथ में जीएस पेपर वन का एक अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है, इससे में आप हिस्ट्री को यूज करते हैं, एथिक्स के पेपर में आप हिस्ट्री को यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज और एसए के पेपर में भी इतिहास जो है वो काफी मददगार साबित होता है। तो ये सब रीजन थे कि मैंने इतिहास। एक हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी धारणाएं थी, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत डिटेल से लॉन्ग सिलेबस, लेंथी सिलेबस, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे लगता है कि हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी, जैसे आपने भी पूछा था कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी, तो उस चीज़ को समझने और का जो मौका आपको इतिहास पढ़ के मिलता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि हर सिलेबस हर सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में वास्ट है और एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, तो जब हम पेपर देते हैं तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम सिलेबस को ना सिर्फ लेंथ वाइज बल्कि डेप्थ वाइज भी थोड़ा कवर करें, तो राइट, जरूरी नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही ये कहना उचित होगा, मुझे लगता है कि हर विषय के लिए ये उचित है कि थोड़े थोड़ी डेप्थ तो आपको हर विषय में चाहिए। इसमें पहले हम दो बात समझना चाहेंगे, हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए रिचा? सर पहली चीज मुझे लगता है कि आपकी जो प्राकृतिक जो अभिरुचि है क्या उस विषय के प्रति है, जैसे एक हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट जो है ये मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग है तो आप सिलेबस देखिए, अगर आपको लगता है कि आप कर पाइएगा तो आप उस ऑप्शनल को चुनिए, ये सबसे जरूरी चीज़ है। अगर आप ऑप्शनल अभिरुचि वाला नहीं लेंगे तो आप ऑप्शनल को भी एक बोझ मान लीजिएगा, और मुझे लगता है कि इस सिविल सेवा की तैयारी में ऑप्शनल ही एक ऐसा पेपर होता है जो आपको रेस्क्यू करता है, जब आप बहुत थक गए हैं करंट अफेयर्स पढ़ के जनरल स्टडीज पढ़ के, तो आप फाइनली जाते हैं कि अच्छा अब मुझे मेरा ऑप्शनल पढ़ना है, तो वो आपके अंदर वो एक होना चाहिए कि अच्छा ऑप्शनल पढ़ना है चलो मजा आएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि आप ऑप्शनल ऐसा मैं ही बहुत चूज करें। इंटरेस्टिंग बात कर रही है कि आपका बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट में है या नहीं है, उससे बिल्कुल ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी अभिरुचि है कि नहीं। बिल्कुल और आपने एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और बता दिया कि आपने कहा कि उस सब्जेक्ट में यदि जीएस में बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं तो वो एक ऐसा लगना चाहिए ऑप्शनल कि भाई अब इसमें एक चेंज लाना है तो मैं अपने अभिरुचि के सब्जेक्ट में जाते हुए, इसलिए इसको ऑप्शनल या ऐच्छिक विषय भी कहा जाता है। टेक ए सब्जेक्ट बाई योर चॉइस, जहां आप ओपिनियन बना सकें और आप इंटरेस्ट से पढ़ सकें। बिल्कुल वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि मैं ऋचा, यदि कोई किसी को अभिरुचि हो और हिस्ट्री में और उसको सब्जेक्ट लेना चाहता हो तो उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए और वो कैसे उस सब्जेक्ट को एक अपना अच्छा सब्जेक्ट बना के नंबर ला सकता है? सर मुझे लगता है कि स्टार्ट हमें एनसीईआरटी से करनी चाहिए, 6ठी से 12वीं तक जो एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें हैं सबसे पहले आप उसको पढ़िए, और उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी अभिरुचि कितनी है, क्या आप और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बेस बन जाने के बाद से आप जो स्टैंडर्ड किताबें हैं जैसे प्राचीन भारत की उपेंद्र सिंह जो है वो उनकी किताब बहुत अच्छी है, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की किताब बहुत अच्छी है, आधुनिक भारत के लिए हाल के दिनों में विपिन चंद्रा के साथ साथ जो शेखर बंदोपाध्याय की पलासी से विभाजन तक है वो बहुत उपयोगी हो गई है, तो इन किताबों को पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मुझे हिंदी माध्यम में बहुत अच्छे कंटेंट नहीं मिले थे तो मैंने नॉर्मल लेवल पढ़ा, तो इस तरीके की किताबें पढ़िए, और मुझे लगता है कि इग्नू के जो मटेरियल्स हैं अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक इन किताबों में नहीं कवर किया हुआ है, इग्नू के BA MA के मटेरियल से उन टॉपिक्स को पढ़िए, साथ में इग्नू के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, मैं तो सुना करती थी घंटों, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जब आप उन लेक्चर्स को सुनते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि एकेडमिक लेवल पे जब हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो वो किस तरीके से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक क्वेश्चन में और किस क्वेश्चन के आंसर में, तो वो समझने में बहुत हेल्पफुल है वो सारे वीडियोस, तो उनको देखिए। ये इग्नो की, और इग्नो की मटेरियल की बात कर रही हैं स्पेशली आप ना, जी उसमें जी वीडियो वीडियो वगैरह। बिल्कुल, और इसके अलावा सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जैसे 30 साल के करीब के क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में अवेलेबल है, तो आप टॉपिक वाइज उन सारे क्वेश्चन को पढ़िए समझिए लिखिए, और बस
मुझे लगता है इससे बहुत अच्छी तैयारी आपकी ऑप्शनल की हुई। काफी काफी ज्यादा रेंज है जी आपने खास करके कहा, जो वीडियोस वगैरह की चर्चा की है आपने। बेसिकली जब इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट में तो कैंडिडेट उसको ढूंढता भी है, लेकिन साथ साथ इसकी सावधानी रखनी जरूरी है कैंडिडेट को कि बहुत ज्यादा बिखर ना जाए, बिल्कुल कि बहुत सारे वॉल्यूमनस बुक और बहुत सारे वराइटीज एंड नंबर ऑफ ऑथर्स की किताबें आपने पढ़नी शुरू कर दी, तो वो एक आपको इशू है। थोड़ी सी हम कुछ स्टैंडर्ड बुक की चर्चा चाहेंगे रिचा आप कर दीजिए कि एंशियंट इंडिया में जो मस्ट रीड कहते हैं जिसको, वो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लगता है उपेंद्र सिंह की जो प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत तक है वो किताब अभी मस्ट रीड है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। मैंने वो एक बेटियों के किताब लिए पढ़ी थी। मध्यकालीन भारत के लिए मैंने सतीश चंद्रा की किताबें पढ़ी थी, 2 वॉल्यूम जो हैं वो। और आधुनिक भारत के लिए 1947 तक विपिन चंद्रा की किताब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, ये, और शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी से विभाजन तक, ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके 1947 के बाद से 1991 तक के इतिहास के लिए आप विपिन चंद्रा की किताब से सेलेक्टिव स्टडी करिए, बहुत फैलने की जरूरत नहीं है, उसे सेलेक्टिव स्टडी करिए। और विश्व इतिहास के लिए मुझे लगता है कि नॉर्मन लॉवे की किताब अच्छी है, साथ में इग्नू के जो मटेरियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और इनमें से आप टॉपिक देख लीजिए जो सिलेबस में आपको लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे सातवाहन वगैरह के बारे में या बहुत चीज़ों के बारे में अगर नहीं दे रखा है तो आप उनके लिए इग्नू से अपने आप को सफाइस कर लीजिए। इग्नू के BAMA के मटेरियल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे। तो पूरा मत देखिए लेकिन जो आपको लगता है कि मुझे देखना है या और थोड़ा समझने की ज़रूरत है उनके वीडियोज़ देखिए, मोर देन एनफ। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सर मुझे हिंदी में बहुत अच्छी किताब कोई उत्कृष्ट नहीं मिली, जैसे कि प्लासी से विभाजन तक जो किताब है उस तरीके की। तो मैंने जो है नॉर्मन लॉ की किताब जो है वो पढ़ी थी, और उसके पहले के जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने इग्नू से प्रिपेयर किए थे, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वॉर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू है वो किताब, तो उसके पहले की जो चीज़ें थे वो मैंने फिर इग्नू से प्रिपेयर। ओके चलो, एक इंटरव्यू के बारे में, खास करके सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में थोड़ी आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपका एक ही इंटरव्यू दिया आपने सिविल सर्विसेज का, वो आपको कैसा लगा इंटरव्यू, इसके बारे में जरा बताइए कि वो पूरा अनुभव कैसा था आपका इंटरव्यू का? तो सर मुझे लगता है कि जो UPSC के 3 चरण हैं परीक्षा के, उसमें मुझे लगता है कि इंटरव्यू जो है वो ऐसा चरण है जहाँ पे आपको जज किया जाता है कि आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से UPSC के सामने होते हैं, और पेपर लिखना और एक सामने जाकर देना ये बिल्कुल 2 अलग-अलग तरीके के अनुभव होते हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव था इंटरव्यू का वो काफ़ी अच्छा था, और मेरा 4 मार्च को इंटरव्यू था, और जो मेरा इंटरव्यू बोर्ड था वो काफ़ी अच्छा था, सहयोगी थी, और मेरा इंटरव्यू जो है मुझे अच्छा लगता आज किसका बोर्ड था ऋचा आपका? है सर। मेरा PK जोशी सर का, सर का बोर्ड था। अच्छा, तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर गई उसमें की साइकोलॉजी क्या थी, आपको डर था या पूरे कॉन्फिडेंस से गई, अंदर जाके क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली मेरा दोपहर के शेड्यूल में इंटरव्यू था, बट मेरा सबसे लास्ट था, तो मैं करीब 5:30 बजे करीब इंटरव्यू देने के लिए गई। और जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गई तो सब चेयरमैन सर और सभी मेंबर्स जो हैं वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, तो मैंने भी मुस्कुरा दिया, और फिर मैंने वही बैठने की अनुमति मांगी, फिर बैठी। फिर सर ने सबसे पहले मेरे से सवाल पूछा कि मेरा नाम जो है वो ऋचा रत्नम है तो क्यों है, क्योंकि नाम से ऐसा लगता है कि मैं साउथ इंडियन हूँ। उन्होंने बिल्कुल पूछा कि आप साउथ इंडियन तो हो नहीं, फिर ये नाम क्यों? तो इस तरीके के जो है आपको रिलैक्स करने वाले जो क्या क्वेश्चन जवाब होते दिया हैं फिर सर। आपने रिचा इसका? सर मैंने जवाब दिया कि ऋचा नाम इसलिए है क्योंकि मेरे पिता प्राचीन इतिहास है उसके प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने इसलिए ऋचा नाम रखा था। और रत्नम इसलिए रखा कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं थी, तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता को लगा कि रत्न के रूप में एक बेटी जन्मी, तो अच्छा सुन, इसलिए उन्होंने रत्नम रखा था उसके साथ। या कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हों वो आप शेयर कर, हम चाहते हैं कि आप शेयर करें। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था बिहार के पिछड़ेपन के बारे में कि बिहार जो है वो अभी भी पिछड़ा क्यों है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि मुझे इतिहास में जो सबसे प्रिय जो व्यक्तित्व है वो किसका है, क्यों लगता है और क्यों लगता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको प्रशासन में किस तरीके से उसका प्रयोग करिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था मुझसे कि जो प्राचीन इतिहास के, जैसे प्राचीन भारत के जो सबसे मशहूर मशहूर जो राजनीतिक शास्त्री हैं तो उनके विषय में, जैसे चाणक्य है तो चाणक्य के विषय में मुझसे प्रश्न पूछे गए थे। और एक प्रश्न मेरे हॉबी से रिलेटेड था, मैं टेनिस देखती हूँ, तो
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि क्यों देखती हैं, खेलती क्यों नहीं है, और फेवरेट प्लेयर कौन है, और अगर आपको डीएम बना दिया जाए तो आप कैसे टेनिस को इनकरेज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। कोई ऐसा खास सिचुएशन जहां लगा कि आप फंस गई हो और वहां निकलने की कोशिश की हो इंटरव्यू में? हाँ, जब मुझसे पूछा कि मशहूर व्यक्तित्व, तो मैंने गांधी जी का नाम लिया, तो मेंबर ने फट से बोला कि तुम्हें लगता है कि उनके जो जाति संबंधी विचार हैं वो अनुकरणीय हैं? तो मैंने कहा, नहीं सर, उनके जो जाति संबंधी विचार हैं वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं उनसे काफी स्ट्रिक्ट है, और वो जाति व्यवस्था को सही मानते थे, अम्बेडकर जो है वो उसे गलत मानते थे। तो मैंने बोला कि अनुकरणीय तो नहीं है सर, ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं उनके उनके इस विचार से सहमत नहीं हूँ। तो है, मुझे लग रहा था कि मैंने गांधी जी बोल के कहीं फंस तो नहीं, कि मुझे बुद्ध बोलना था, या देन अगेन आई थॉट कि नहीं, तो गांधी जी बोला तो जो बोला तो ठीक बोलिए क्या क्या वो एक बैक थिंकिंग शुरू हो गई थी उस टाइम तक, थोड़े देर के लिए, लेकिन फिर मैंने बोला कि ठीक है, जो जवाब देना था वो दे दिया। आप चाणक्य में मॉक इंटरव्यू भी कर चुकी हैं, आपने तैयारी करी, कैसा रहा आपका अनुभव, कैसे फायदा हुआ आपको उससे? सर, चाणक्य में मेरा मॉक इंटरव्यू जो था वो, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो चाणक्य में जो आप मॉक इंटरव्यू कराते हैं वो बिल्कुल जैसे यूपीएससी में होता है इंटरव्यू, उसी तरीके से बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जो है वो आपको फील होता है। और होटल में कराते हैं आप, और जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो भी काफ़ी डिस्टिंग्विश सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें, और जब उसमें जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। साथ में आप जो गलतियाँ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं होता है कि आप जो वो गलतियां हैं उनको सुधारें। तो जो वीडियो मिलते हैं, वीडियो जो मिलता है अवेलेबल कराया जाता है हमें, उसको आप देख के आप अपनी गलतियां जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़रूरी है मॉक इंटरव्यू के लिए। चाणक्य मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। अच्छा ऋचा, ये बताओ कि आप जो है एक जो ना एक हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, मोटिवेटेड कैसे रहें, ये बड़ा ऐसे तो सबके क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश वालों को भी होते हैं, बट हिंदी वाले स्टूडेंट को ज्यादा पूछते हैं कि सर मोटिवेटेड कैसे रहें, तो आप अपने ओर से बता दीजिए लोगों की आप कैसे मोटिवेटेड रहें जो उनको भी फॉलो करना चाहिए। सर, एक चीज तो ये है कि मैंने हमेशा, जब मुझे लगता था कि मैं डीमोटिवेट होती थी, तो मैं हमेशा पीछे मुड़ के देखती थी कि मैंने अपनी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू की है और क्यों शुरू की है। मेरे पास हमेशा एक क्यों था कि मैं क्यों इस सिविल सेवा में जाना चाहती हूँ, और उसका रीजन था मेरा जो गृह जिला है वो, वहाँ पे जिन कंडीशंस में मैं पली बढ़ी, और जो विधि व्यवस्था की स्थिति है, या फिर जो पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी में जो समस्याएं थे, उन चीज़ों से काफ़ी मैं दो चार हुई हूँ, काफ़ी उनको नज़दीक से देखा है। तो मैं हमेशा उस चीज़ को देखती थी और अपने आप को कहती थी कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ, मुझे क्योंकि यही करना है, और मैंने उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ा। तो मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, और मुझे पता था कि मैं हर अटेम्प्ट में जो है अपने पहले अटेम्प्ट से बेहतर हो रही हूँ, तो मुझे ये पता था कि मैं जब मैंने शुरू की थी तैयारी, और जो जहाँ अब मैं हूँ, तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। तो अब मैं उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती, अब उससे हटना नहीं चाहती। आई वॉन्टेड टू फिनिश वॉट आई स्टार्टेड, तो मैं उस चीज़ को फिनिश करना चाहती थी जिस चीज़ को मैंने शुरू किया था, और अच्छे बेसिकली तरीके से फिनिश करना चाहती थी। आपके पास एक मकसद आ गया कि मैं बिल्कुल क्यों कर रही हूँ, और ये यदि कोई कष्ट लेना भी पड़ रहा है तो क्यों, तो आपके पास जो बिल्कुल बिग पिक्चर होता है कि तो उसके कारण से आपको मोटिवेशन लेवल, आपको इसे ड्राइव देगा बिल्कुल आपको, और वो ड्राइविंग फोर्स बन गया आपको मुझे क्यों करना चाहते हैं, आंसर बिल्कुल व्हाई है ना। दैट इज बिल्कुल एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बड़ी समस्या होती है, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या ये बनेंगे, क्या करेंगे, ये तो आपको भी सुनने में मिला होगा, आप ये सब माहौल में देखी होंगी, तो ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए लोगों को, कितने घंटे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और आप एवरेज कितने घंटे आप पढ़ती थी? सर, घंटे का मैं ये कहूंगी कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप कहने को आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किताब लेके बस बैठे हैं और आपने 2 घंटे भी ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि जब आप पढ़िए तो आप अपने फुल फोकस के साथ पढ़िए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत है और हमें अच्छे से उसको पढ़ना भी है। तो पढ़ना तो है, इसे घंटे में नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन ये है कि आप एक ये कर सकते हैं कि आप डेली का इतना टारगेट रख सकते हैं कि अच्छा आज मैं ये पढ़ूंगा, और अगर आप उस टारगेट का 50% भी अचीव कर लीजिए तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए कि आपने 50% भी, क्योंकि अचीव नहीं होता है सर, हम जो डेली टारगेट बनाते हैं वो 30% ही अचीव हो जाए बहुत होता है। तो घंटे के कॉन्सेप्ट पे बहुत नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले से डेफिनेटली आपका जो पढ़ाई का जो समय होता है वो बढ़ जाता है, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी जो है वो पढ़ने का जो समय होता है वो बढ़ जाता है।
वो नेचुरल है क्योंकि सिलेबस इतना होता है, रिवीजन करना होता है, टेस्ट लिखना होता है, तो आप इससे रिलेटेड ही काम करते रहते हैं, खाने में भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है कि इन बीच में आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के कुछ टाइम पहले और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, और बाकी समय मुझे लगता है कि आपको कोई 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 5 घंटे ही पढ़िए लेकिन आप पूरे फोकस के साथ पढ़िए, और ये बहुत है। आपने बहुत देखिए क्लियर कर दिया, आपने बहुत सहजता से, आप कह रहे हैं एग्जामिनेशन के पास भी आप 10 घंटे का भी एवरेज निकाल रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इन जनरल 5-6 घंटे की मेहनत आपकी रेगुलर होनी दिनचर्या, चाहिए। दैट विल टेक केयर ऑफ यू। ये जरूरी है कि आप कितना स्ट्रेस फ्री रखते हैं, एंग्जाइटी फ्री रखते हैं। आप घंटे की गिनती में 14 घंटे किताब लेकर बैठे हुए हैं और दिमाग कहीं कहीं से कहीं घूम रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। उससे बेटर है कि अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने कुछ एडिशनल इंटरेस्ट की रीडिंग कीजिए, स्पोर्ट्स में दीजिए, हाँ। एक्टिविटीज दीजिए, या म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुनिए जो भी। स्लीप वेल। स्लीप के बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो सोने में ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नेचुरली आपने 6 से 8 घंटे का रखा तो नींद आपकी अच्छी आपने ली होगी, ठीक है, ताकि आपको पूरा प्रोसेसिंग टाइम हो। स्टूडेंट को लगता है कि IAS की तैयारी करना है तो नींद छोड़ करके IAS बनेगा, जबकि आप IAS बनेंगे तभी आपको नींद तो पूरी तभी करेंगे। तो बेटर है कि 6 से 8 घंटे सोइए भी, पढ़ाई भी कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन टाइम वेस्टर्स से दूर रहिए। टाइम बिल्कुल, वेस्ट क्योंकि ना, सोशल आप यू मीडिया, हाँ सोशल मीडिया भी बड़ा डिस्ट्रैक्टर होता है। तो आपने कि सोशल मीडिया से क्या अपने को दूर रखा या जुडिशियसली यूज किया, क्या किया आपने? मैं सोशल मीडिया पे सर बहुत सालों से नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं फेसबुक पे तो 2012 या 13 से ही नहीं हूँ, मुझे बहुत सोशल मीडिया बहुत अट्रैक्ट नहीं करता उस तरीके से, और व्हाट्सएप जो है वो मैं यूज़ करती थी, व्हाट्सएप इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि जो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए आपको व्हाट्सएप अच्छा जरिया है, तो उसके थ्रू मैं थी। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, और पर हाँ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है अगेन बेसिकली जो। बेसिकली इम्पोर्ट करता है, बेसिकली इम्पोर्टेंस इस बात का रहता है कि आप जो हैं कितने जुडिशियसली इस चीज को यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंट है। रैशनलाइज कर करके ही यूज करना चाहिए। अगर पूरे दिन व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, तो फिर तो आपका जो टाइम वेस्टर्स के बीच में आप रहेंगे। मुझे उम्मीद है ऋचा आपकी सारी बातों से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो डर है उनका निकलना चाहिए, काम आना चाहिए, और उनको भी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में ऐसा जो एक साइकोलॉजिकल जो फियर है आपके मन में वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो उसके कारण से आप नॉर्मल बिहेव करते हैं या इधर उधर भटकने लगे, किताबें ज्यादा पढ़ने लगे, या बहुत सारे सलाह के लिए घूमते फिरते अपना टाइम खराब कर लिए, तो वो एक एंग्जाइटी और एंग्जसनेस जो है वही टाइम को खराब करता है और रिजल्ट को खराब करता है। आपको भी टू द पॉइंट रहना है, प्रिसाइज रहना है, एंड अपने सही का सही इस्तेमाल करते हुए एक डिसिप्लिन ढंग से काम करेंगे तो सिलेक्शन बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच ऋचा फॉर ज्वाइनिंग इन दिस प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपका जो इंटरव्यू है लोगों को बहुत काम आएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को खास कर करके। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And press the bell icon to never miss an update.